नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। कोलड्रा के अध्याय में आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों फिल कलर, यानी कि हम लोग एक कलर को हम लोग फिल करेंगे, यानी कि कलर को हम लोग भरेंगे। तो चलिए सीखते हैं। तो कोलड्रा को मैं ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास 2019 है, आपके पास X6, X7, X8, 2018, 2019, कोई भी दिक्कत नहीं, ये सारा ऑप्शन इसमें मौजूद है। तो मैं यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट में मैंने क्लिक करूँगा और मैं एक डॉक्यूमेंट को मैं ले लेता हूँ। ठीक है, आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, जैसे कि मेरे पास एक रेक्टेंगल, मैंने इसको ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद यहाँ से इसको आउटलाइन को मैंने बोल्ड किया। अब यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से क्लिक करेंगे तो इतना सारे कलर निकलेगा, हम इस कलर को फिल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कलर को फिल किया। ठीक है, सिर्फ मैंने क्लिक किया और क्लिक किया CMYK, देखिएगा CMYK कलर मैंने लिया है। ठीक है, फिल किया। यहाँ पर देखिए, एक RGB होता है, एक CMYK होता है। तो RGB क्या होता है? RGB सिर्फ डिस्प्ले पर देखने के लिए होता है और CMYK कोई प्रिंट करने के लिए होता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कोई और कलर फिल किया। अब मैं चाहता हूँ कि इस लाइन का भी कलर को फिल करो, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे तो देखिए लाइन का भी कलर फिल हो गया। राइट क्लिक करेंगे तब क्लिक करेंगे तो बीच का फिल होगा, और राइट क्लिक कर देंगे तो आउटलाइन का फिल होगा। कलर पर राइट क्लिक करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आते हैं दोस्तों। अब हम एक और यहाँ पर इस तरह से मैंने रेक्टेंगल लिया और इसका भी आउटलाइन मैंने थोड़ा सा बोल्ड किया और इसको मैंने कलर फिल कर दिया इससे, और आउटलाइन फिल किया इससे। ठीक है, आउटलाइन भी थोड़ा सा बोल्ड करते हैं, आउटलाइन भी इससे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसको हम पीछे ले जाए। ध्यान से कि पीछे ले गए। अब इसका क्या मतलब है आपको मैं अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है, इस पर क्लिक किया, इसको मैं वाइट कर दिया, फिर भी ये नीचे आपको नहीं दिखा। क्यों नहीं देखा? कि वाइट तो एक कलर, वाइट कलर फिल हुआ है। ठीक है ना, हम चाहते हैं कि नीचे वाला इसका आधा पार्ट दिखे। तब आपको क्या करना होगा, आपको जैसे मैं यहाँ, तब आपको क्या करना होगा वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया तो तब देखिए नीचे का आपको दिखने लगा। ठीक है, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने कोई कलर फिल किया, अगर इसको कलर को हटाना होगा तो आपको यहाँ पर देखिए, इस पेंसिल वाला आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको कलर हटेगा। अब इसका आउटलाइन को भी अगर आपको हटाना होगा तो यहाँ पर राइट क्लिक कीजिएगा तो आउटलाइन के भी कलर हटेगा, इसी प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो आप इसी पर क्लिक करेंगे तो वापस वो आएगा, और वापस आ गया, और फिर इस पर क्लिक करेंगे तो उसी तरह से आप काम कर सकते हैं। समझ गए, इसको कलर को हटाना होगा तो आपको यहाँ पर जो पेंसिल, इस पर क्लिक कीजिएगा तो फिल का कलर हटेगा, और राइट क्लिक कीजिएगा तो आउटलाइन का कलर हटेगा। चलिए अब इसको समझ लिए, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और पैलेट, यहाँ पर डायलॉग बॉक्स खुल कर आपको आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ से गायब हो जाएगा इसको, और फिर इस पर क्लिक कीजिएगा तो आ जाएगा। इस पर राइट क्लिक कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको गैप हो जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। यहाँ पर आपको अभी हम लोग कलर व्यूअर में हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए CMYK कलर है, यानी कि यह आप देख लीजिए CMYK कलर, यह सब आप यहाँ पर आप देख लीजिए। कभी 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 मुझे ऐसा प्रिंटिंग चाहिए कि जो कि सेम कलर का चाहिए, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक किया, अगर इसका सेम कलर पर कोई प्रिंट कर दिया, नेक्स्ट डे अगर हमको यही कलर चाहिए तो हो सकता है कि मुझे बन नहीं पाए। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कलर कोडिंग, ये कोडिंग को अगर कॉपी करके आप रख लीजिएगा
जैसे मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने कुछ ड्राइंग बनाया, ठीक है, इस तरह से मैं ड्राइंग कुछ बना रहा हूँ, ठीक है, यही कलर मुझे कल चाहिए, तो हो सकता है कि कलर मुझे नहीं, इस कलर नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर मैं इसको नोट करके रख लूँगा या कॉपी करके रख लूँगा और जैसे ही यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा तो समझिए कि यही कलर हूबहू आपको मिल जाएगा। यानी कि इसमें क्या है, आर आपको इतना है, सी इतना है, एल इतना है, इससे करके आपका एक कलर आपको हुआ, ठीक है, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। और यहाँ से भी आप इसको आगे पीछे कलर को कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह से कलर लेके इससे आगे पीछे कर सकते हैं, या सी में वाई है तो आर जी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने सी एम आई यहाँ भी लिया है, इसलिए सी में वाई यहाँ भी मैंने सी एम वाई की यहाँ भी रखूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप इस तरह से ब्राइटनेस में से इस तरह से कलर का आप चूज कर सकते हैं, इस तरह से भी, ठीक है, इसका पूरा मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखिए सी एम, यहाँ से ड्रॉप से भी कोई कलर आप इस तरह से ले सकते हैं, यहाँ से इस तरह से इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको सी एम आई कलर बताएगा, इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं कलर पैलेट में, इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ से भी कोई कलर ले सकते हैं आपको, ठीक है, इतना सारे अभी बहुत सारे हैं, इसको ऐसे कीजिएगा तो आपको बहुत सारे आएगा, देखिए इस तरह से, यहाँ से भी कलर को पलट पलट सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद देखिए ब्लैक, एक सिंपल ब्लैक, तो ब्लैक में कितना लेना चाहिए, 90% ब्लैक लीजिए, 80% ब्लैक लीजिए, इस तरह से। ब्लू में, तो ब्लू में भी आप आइएगा तो ब्लू में भी कितना लेना चाहते हैं, 90%, 10%, इस तरह से, ठीक है, उसी प्रकार से आप लीजिए, उसमें सी मजेंटा, उसी में आपको जो जो भी कलर लीजिएगा, जैसे मैंने मजेंटा लिया तो आप मजेंटा पर क्लिक करेंगे तो उसका कम वैसे ज़्यादा आप इसको कर सकते हैं, ये ब्लैक का कम हुआ, ठीक है ना, मजेंटा, तो मजेंटा के यहाँ से भी कम वैसे आपको यहाँ से भी इससे भी आपको देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप कलर को ले सकते हैं। जैसे ब्लैक के लिए है, ब्लैक में आपको 90% 80% से ब्लैक के लिए ले सकते हैं। ब्लू में हम लोग आएंगे, ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी कलर आप ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब यहाँ पर हम लोग आ गए थे, अब हम लोग चलते हैं इस पर मैंने क्लिक करूँगा, ठीक है दोस्तों, तो ये इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, अभी आप इतना प्रैक्टिस कीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।